आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल एनएस पठानिया ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे साइंस स्ट्रीम से हटकर अन्य विषय चुन रहे हैं, जो चिंताजनक बात है। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 300 यूनिट से ऊपर सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी प्रदेश के लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज प्रबंधन अच्छा नहीं है, जिस वजह से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जैसे कि मीडिया के बीच में काफी समय से ये खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी देश में 6 स्टेटों में इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश भी एक शामिल है, क्योंकि 2022 में यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारा यहाँ सरकार बनाने का काफ़ी उद्देश्य हैं। सबसे पहले कि हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा उठाना चाहते हैं। शिक्षा स्तर हिमाचल प्रदेश का बहुत गिर चुका है, 110 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, 2000 जो हाई सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें सिर्फ 10-10 बच्चे रह गए हैं। कल ही अभी खबर आई थी 450 स्कूलों के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बीच में साइंस स्ट्रीम ही बंद करती है। तो ये अगर हिमाचल प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नहीं निकलेंगे तो वो अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे और ना ही अच्छा चुनाव होगा। शिक्षा के लिए होगा, बिजली की आपने काफी कुछ सुन लिया है। बिजली का मैं लेटेस्ट बताता हूँ कि हमारी पार्टी जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट जो है वो एकदम फ्री देगी और बाकी यूनिटों के बीच में उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। तकरीबन ये बिजली जो है आपको मुफ्त ही होगी। ये सिर्फ अच्छे प्रबंधन की जरूरत है। मैं आप बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश के बीच में इस साल के बीच में 350 करोड़ रुपए की बिजली पैदा की, हमें बड़ी खुशी हुई हिमाचल प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की बिजली। और अफसोस की बात है कि यहाँ पे 385 रुपए का खर्चा करती है, 385 करोड़ रुपए का, यानी कि 35 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने सरकार को घाटा डाल दिया। उस काम का क्या फायदा, क्योंकि प्रबंधन अच्छा नहीं है। प्रबंधन अच्छा नहीं है इसलिए स्कूल अच्छे नहीं चल रहे, प्रबंधन अच्छा नहीं है इसलिए सड़कें नहीं बन रही है, इसलिए आपको पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जो है आपके वो उनका स्तर बिगड़ चुका है। हर जगह के बीच में आपको एक अच्छे नागरिक चाहिए और जो कि हिमाचल प्रदेश की सेवा करे और इसको बढ़ाए। और जिस तरीके से एजुकेशन के बारे में स्पेशल चीज़ जो दिल्ली में की जा रही है, जो मॉडल हम दिल्ली का जहाँ हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं। बड़ी हैरानगी रहेगी आपको कि जो हमारे जो शिक्षक या स्टूडेंट जो फॉरेन में जाते थे एजुकेशन लेने के लिए, अभी फॉरेन वाले जो है विदेशी जो है वो दिल्ली में आएंगे, टीचर आएंगे, टीचर्स की स्पेशल अकेडमी खोली हुई है। सुरक्षा की जहाँ बात आती है हिमाचल प्रदेश में, सुरक्षा जो है और इनका जो है आत्महत्याएं वगैरह बहुत हो रही है और स्तर जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत खराब होता जा रहा है। अभी जो कैमरे जो आपने सुना है दिल्ली के बीच में 260,000 रुपये 60 लाख कैमरे जो है वहाँ पे लग चुके हैं, अरे नहीं, वो सारे हमारे केजरीवाल सरकार ने नहीं लगवाए हैं, वो लगवाए हैं जनता ने लगवाए हैं, अपने घरों में लगवाए हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए गए हैं, गली की सिक्योरिटी के लिए। मगर केजरीवाल सरकार जी ने अच्छा ये किया कि ओके, अगर आपका ये आपका अपना पर्सनल कैमरा है ये पकड़िए, 300 रुपये आपको मिलेंगे पर कैमरे के, आप इसको मेंटेन करके रखिए। सरकार का तो 300 रुपये गया ना, वो एक कैमरे के लिए 10,000 या 15,000 रुपये तो नहीं गया। तो ये प्रबंधन की बात होती है। सब्जियाँ मंडी के बीच में किसानों की यहाँ पे बहुत खस्ता हो रही है, और कल तो यहाँ पे 3 ट्रैक्टर आए यहाँ पे, अगर 6 टन उसमें कीड़ा होगा तो उनको जब उनको पूछा इसका क्या करोगे, कहते हम खड्डी अपना चक्की खड़की बीच में इसको फेंकने के लिए जा रहे हैं। बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों के देखिए प्रबंधन की वजह से, क्योंकि प्रबंधन अच्छा नहीं होता। अगर मैं वहाँ पे होता, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे जी, मैं ये करता कि खीरे को बचाना, खीरे को बचाया नहीं जा सकता है, 2 दिन में खराब हो जाता है। मगर अगर मंडी का प्रबंधन अच्छा होता है, मंडी के बीच में अपनी ट्रांसपोर्ट होती है या ट्रांसपोर्ट हायर ही कर लेते, तो उसको यहाँ पे जो पंजाब की बड़ी बड़ी मंडी हैं, लुधियाना की हैं, जलंधर की हैं, अमृतसर की, वहाँ पे बेच सकते थे और किसानों को 5 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये जो प्रति किलो का उनका रिटर्न हो जाती, वो भी खुश हो जाती। मगर हिमाचल प्रदेश में कोई किसी का, यही आम की हालत खराब नहीं है। यही अभी क्या है, बार बार हम लोग इतने दिनों से अपने आप को कन्फाइन किए हुए घरों में हैं, बंद हैं बिल्कुल,
अरे कोरोना आ गया, यहाँ पे वहाँ चलान हो रहा है, वहाँ पे ये है 50% बसों में पेट्रोल, सब कुछ हमारे लिए हो रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियाँ करके चले जा रहे हैं, उनकी ये कोरोना नहीं है। बड़े अफसोस की बात है नहीं, ये एक किस्म की डिक्टेटरशिप स्टार्ट होगी हिमाचल प्रदेश में, डिक्टेटरशिप। आप समझे कि जो रूल चलेगा वो हमारा ही चलेगा और जनता कुछ नहीं है, हम जनता को पिसने नहीं देंगे, जनता को पूरे अधिकार देंगे। आम आदमी पार्टी इसीलिए आ रही है कि जनता को जागरूक करने के लिए तुम्हारे अधिकार क्या है और अपने अधिकारों को पहचानिए और ईमानदारी से काम कीजिए और देश को और इसको हिमाचल प्रदेश को आप एक खुशहाल स्टेट बनाओ, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हम हिमाचली लोग जाने जाते हैं शराफत के लिए और जो हमारा खुशनुमा चेहरा है उसके लिए जाने जाते हैं। वो हमारी खुशी जो है उसके बीच में झुर्रियाँ पड़ चुकी है। इस हिमाचल प्रदेश को आम आदमी पार्टी जो है वो इन्हें सुधार लाएगी भविष्य में। धन्यवाद। ऐसा सुनने को मिलता है कि आप आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी एक कर्नल कोडिल को सीएम का चेहरा चुनने की चढ़ाई चलाई हुई है। ये खबर सही है। यहाँ पे कर्नल अजय कोडियाल है जिन्होंने केदारनाथ के बीच में, आपको याद होगा केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उसके बीच में, फॉर्चुनेटली वहाँ पे वो पिथौरागढ़ द्वारा में वहाँ पे पोस्टेड थे और इन्होंने लोकल जनता का बहुत ही वहाँ पे हेल्प किया था और जनता को काफ़ी बचाया था। ये माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं कर्नल अजय कोडियाल जी और इनको कीर्ति चक्र भी मिला हुआ और इन्होंने कारगिल की लड़ाई के बीच में बहुत बेहतर काम किया। अभी भी इनके शरीर के बीच में 2 गोलियाँ हैं, ये लोहा लेके चलते हैं शरीर में और ये काम करने वाले हैं। केजरीवाल जी वहाँ पे 3-4 बार गए हैं और इस सैनिक को, आप मैं इसको सैनिक कहूँगा, इस फौजी अफसर को इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो है भविष्य के बीच में अपना सीएम कैंडिडेट जो है घोषित किया हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के बीच में जीत जाती है तो कर्नल अजय कोठियाल कीर्ति चक्र ये वहाँ के सीएम होंगे। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।